या कि हिंदी में जो भी हमारे महान कवियों ने लिखा, चाहे वो जयशंकर प्रसाद रहे हों, रामधारी सिंह दिनकर रहे हों, मैथिली शरण गुप्त रहे हों, पंत रहे हों, महादेवी जी, सुभद्रा कुमारी जी चौहान, निराला तक इतने महाकवि हुए, उसके बाद में आज की परंपरा में आज के युगबोध को उकेरते हुए कई महाकवि, डॉक्टर बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, नीरज जी, गोपाल दास जी नीरज, और रमानाथ अवस्थी, रामावतार त्यागी, और वीरेंद्र मिश्र जी, शिव मंगल सिंह सुमन, भवानी शंकर प्रसाद मिश्र, ऐसे अनेकों कवि, उन्होंने कईयों ने, अनेकों कवियों ने युग के अनुरूप भी, क्योंकि जो सामयिक रचनाएं लिखी हैं कवियों ने, वो युग बोध की संवाहक होती हैं। जब और कभी कविता क्या है, साहित्य क्या है, साहित्य जिसमें सबका हित हो, सर्वहित, सबका हित जिससे जुड़ा हो, जनहित उस जिससे जुड़ा हो, इसलिए कभी 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 सचमुच में अंदर से हृदय से सेक्युलर ही होता है। सेक्युलर क्यों होता है, क्योंकि वो मानवीय संवेदना का संवाहक है, और मानवीय अनुभूतियों को लेकर के जब वो लिखता है, लिखने बैठता है, तो उसके जहन में चाहे वो कभी उर्दू का हो, अरबी का हो, चाहे वो हिंदी का हो, या और किसी भी भाषा का, वो कवि जो होता है वो सेक्युलर होता है, शायर जो होता है वो सेक्युलर होता है। वो कभी वो प्रेम की बात करता है, मिलाने की बात करता है, हर युग में ऐसा ही किया है उसने, आज के युग में भी जो तोड़ने का काम करता है, बांटने का काम करता है, वो कवि नहीं करता, कवि की कलम कभी नहीं करता। तो जो समाज को दिशा देता है, जब इस समय जैसे कालखंडों में भी बंटा है हमारे यहाँ जो युग बोध है कविता के हिसाब से भी, रीतिकाल, जबकि श्रृंगार रस की रचनाएं ऐसी बहुत लिखी गई, कहीं राजाओं को प्रसन्न करने के लिए भी, उनके विलास मनोरंजन के लिए रीतिकालीन साहित्य ऐसा बहुत लिखा गया, चाहे वो पद जायसी ने लिखा, चाहे वो महाकवि बिहारी ने की कलम से निसृत हुआ। उसके बाद में जब इसकी अति, किसी भी चीज़ की अति हो जाती है तो बदलाव आता है। रीतिकाल, भक्तिकाल आया, भक्तिकाल आया, महाकवि सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मीराबाई, कबीर, रैदास, ऐसे कई कवि महाकवि हुए जो कि एक भक्ति रस की धारा प्रवाहित हुई जनमानस में। और उसके बाद में और एक कालखंड में करें तो वीरगाथा काल, जिसमें कि पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्यों की सर्जना हुई, और चंद वरदाई जैसे महाकवि हुए, सूर्यमल मिशन जैसे महाकवि हुए जिन्होंने वीर सत्सई की रचना करी, और क्योंकि आवश्यकता हुई उस समय कि भक्ति और श्रृंगार छोड़ के कहीं हम जागें, देश के लिए एकजुट हों, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, तब इस तरह की, तो जब जिस युग को जैसी आवश्यकता होती है, जैसे हमारा ये शरीर है, हम जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई कभी डॉक्टर कहता है कि भाई आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, डेफिशिएंसी है, आयरन की ज़रूरत है, इसकी डेफिशिएंसी है आपके, कहीं किसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है। सो हर युग में भी उसी के अनुसार, जब जिस रस की, ये जो काव्य में 9 रस होते हैं, तो जब जिस रस की समाज के जीवन में कहीं कमी आ जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी आवश्यकता अपने आप उस समय के कवियों को प्रेरित करती है उस ओर, और जो श्रोता है या जो पाठक है वो उस कविता में कहीं अपने मन को, अपनी भावनाओं को वो अपने अनुभूत करता है, उसे ये तृप्ति होती है कि हाँ यही मेरे भी कहीं भाव विचार थे, तो वो कविता उनका एक दर्पण है जिसमें वो अपने मन को देखता है पाठक या श्रोता। वो कविता है जो युग बोध को, युग का बोध कराती है अपनी कविताओं के माध्यम से, चाहे बाद में वो दुष्यंत कुमार हुए हों, चाहे वो नागार्जुन हुए हों, और अज्ञेय हुए हों, या अज्ञेय की तार सप्तक के और अन्य कई कवि, अनेक कवियों ने कविता को भी कई, मुझे इस बात का एक मन में ज़रूर खेद रहा है, मैं जो हूँ कविता को कविता ही मानती हूँ अपने निकट, चाहे वो कविता
किसी भी वाद, मैं चाहती हूँ कविता हर प्रकार के विवाद या वाद से अलग रहे। कविता कविता ही है, बशर्ते कि वो कविता हो, चाहे वो किसी फिल्म में लिखा गया गीत हो। गुलजार साहब ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, नीरज जी ने लिखे हैं, आनंद बख्शी ने भी लिखे हैं, कई ऐसे मन को छूने वाले गीत जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं। तो उनको आप, हम कहते हैं कि नहीं, ये फिल्म में जो लिख दिया वो साहित्य नहीं है या वो कविता नहीं है, या मंच से जो वाचक परंपरा में कविता सुना दी गई वो कवि नहीं है, ये गीत ही काव्य, ये कौन सा गीत जो सुनाता है वो गीत कवि नहीं है। नहीं, ये ठीक है कि युग के अनुसार, समय के अनुसार, समय परिवर्तनशील है, विधाएँ भी बदलती हैं, साहित्य की अनेक विधाएँ हैं, कविता की भी अनेक विधाएँ हैं, लेकिन अगर हम गीति काव्य को, परंपरा को नकारेंगे तो क्या पूरा संस्कृत साहित्य नकारेंगे? क्या हम पूरा ये समृद्ध साहित्य जो लिखा गया छायावाद, रहस्यवाद, या उस युग में या उसके बाद, चाहे दिनकर से लेकर के, गुप्त से लेकर निराला जी तक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी लिखी हैं छंद मुक्त कविताएँ, लेकिन उनमें भी एक निर्झर है, एक धारा, एक छंद मुक्त कविता, कविता वो जिसमें गेय तत्व तो होता ही है, अन्यथा फिर गद्य में और उसमें क्या अंतर है? फिर गद्य ही क्यों नहीं कुछ? जब एक बार मैंने महादेवी जी का उद्बोधन सुना जयपुर में, बहुत अच्छा, उन्होंने एक बात कही कि भाई कुछ कवि कहते हैं हम तो अकवि हैं, अकविता लिखते हैं। अरे भाई, कविता भी लिखते हो और कविता के प्रति ये पूर्वाग्रह भी, तो फिर अकवि क्यों कहलाना चाहते हो भाई, अकविता क्यों? भाई हम तो कवि हैं और कविता लिखते हैं, ये उन्होंने कहा। बड़ी सहज सरस बात कह दी, कविता वो जो पाठक या श्रोता को महसूस हो कि ये कहीं उनके मन की भी बात है, उनके और युग बोध की कविता लिखना कवि का धर्म है, कलमकार का धर्म है, तो वो युग की बात करे, युग समय की बात करे, एक चेतना समाज को दे कि क्रांतिकारी हुआ है कवि। तुलसीदास जी की ने भक्ति काल में समय बदल दिया, विचार बदल दिए, समाज बदल दिया, वीर गाथा काल ने, जिसको चारण काल भी कहा गया, उसने समय बदल दिया, समाज की सोच बदल दी, समाज की सोच को एक नई दिशा दी, वो होती है कवि की कलम का, वो होता है प्रभाव, वो युग पर, समाज पर असर होता है, जिससे कि युग में युग की विचारधारा को पोषण मिलता है जो वो चाहते हैं। और जहाँ वीर गाथा काल में बाँह फड़कने लगती थी युद्ध करने वाले योद्धाओं की, तो वो कविता वो चीज़ देती है, वो उससे संचित करती है समाज को, तो उसी कविता की वही कविता अजर अमर रहेगी, वरना आज मुझे